पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मशीर वज़ीर आज़म मलिक अहमद ख़ान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद सरकारी मुलाजमीन ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मशीर वज़ीर आज़म मलिक अहमद ख़ान का कहना है कि पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहें व पेंशन में इजाफा वफाक के बराबर होगा। लीव एनकैशमेंट में कमी का नोटिफिकेशन भी मनसूख होगा और मुलाजमीन के मुतालबात को मनोअन तस्लीम किया जाएगा। याद रहे कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन कई दिनों से अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे थे। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का 35% तनख्वाह और पेंशन में 17.5% इजाफे का मुतालबा मान लिया गया। ग्रेड 1 से 16 रनिंग बेसिक पर 35% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 तक रनिंग बेसिक पर 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफा होगा और लीव इनकैशमेंट की रकम रनिंग बेसिक के मुताबिक दी जाएगी। मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन इंशाल्लाह 18 जुलाई तक जारी होगा। अच्छी खबर के साथ अब आवाम के लिए एक बुरी खबर भी है और बुरी खबर का नोटिफिकेशन तो फौरन हो जाता है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4.96 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इजाफे के बाद फ़ी यूनिट 29.78 रुपये का हो जाएगा।